गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मैं मिसेस ए शर्मा, आपकी आर्ट की टीचर, आप सभी गर्ल्स का यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। नाइन्थ एंड टेंथ की क्लास में पहले सेशन में, पहले वीडियो में, इससे पहले के दो वीडियो में हमने आपको आलेखन की बात की थी। आलेखन कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है, अभी हमने आपको एक ही आलेखन के बारे में बताया है। आज हम दूसरी बुक से पहला चैप्टर उठाते हैं, प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य किसे कहते हैं? प्राकृतिक दृश्य को नेचुरल सीनरी भी कहते हैं, प्राकृतिक दृश्य को लैंडस्केप भी कहते हैं। तो लैंडस्केप किसे कहते हैं? लैंडस्केप उसे कहते हैं आसमान और ज़मीन के नीचे जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, मतलब आसमान और ज़मीन के बीच में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो लैंडस्केप के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि नदी, तालाब, पहाड़, सूरज, आसमान, बादल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, घर इत्यादि इत्यादि। मतलब इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आसमान से और धरती के बीच में हमें नज़र आती हैं। तो हमें करना क्या होगा लैंडस्केप बनाने के लिए? पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि लैंडस्केप में होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही नहीं है कुछ भी लैंडस्केप में बन जाएगा, नहीं, लैंडस्केप में हमें वो बनाना होता है जो प्राकृतिक में होता है, मतलब जो प्रकृति में होता है और प्राकृतिक दृश्य के रूप में हमें वो नज़र आता है। तो इसे ही कहते हैं प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल सीनरी और लैंडस्केप। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक दृश्य में ज़मीन और आसमान और ज़मीन के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचुरल सीनरी यानी कि लैंडस्केप में आती हैं। तो लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आज इस टॉपिक में हमने आपको ये समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बनाने के बारे में बताएंगे। तो आप ये सोचिएगा कि लैंडस्केप में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्रकार से चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जो जमीन, आसमान और धरती के बीच की सारी चीज़ें लैंडस्केप में आती हैं। तो इसे बनाने के लिए सोचिएगा। थैंक यू सो मच।